हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक हमारा क्या है, वो टॉपिक है हमारा 23वां विधि आयोग, 23rd लॉ कमीशन। प्रतियोगी परीक्षाओं में लॉ कमीशन से संबंधित प्रश्न पहले भी पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, क्योंकि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल जो है वो 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी थी। यह प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसका कार्यकाल कितना होगा, इसका टेन्यूर जो है विधि आयोग का 3 वर्ष का होगा। आयोग में एक पूर्णकालिक चेयरपर्सन और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के सेवारत जज इसके चेयरपर्सन एवं सदस्य होंगे। विधि आयोग जो है वो भारत सरकार की एक गैर सांवैधानिक संस्था है, अर्थात नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहली बार वर्ष 1955 में विधि आयोग का गठन किया गया था और एससी शीतलवाड़ जो कि भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल भी थे, उन्हें विधि आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न किस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, एमसी शीतलवाल। पहली बार विधि आयोग का लॉ कमीशन का गठन कब हुआ था, तो हमारा उत्तर क्या होगा, वर्ष 1955। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कितना होगा, तो 23वें विधि आयोग का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।